हिमाचल कांग्रेस की कमान प्रतिभा सिंह को देने पर विपक्षी दल भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई और परिवारवाद के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने इसको लेकर पलटवार किया है और भाजपा को कांग्रेस की चिंता छोड़ अपनी पार्टी की फिक्र करने की नसीहत दी है। वीरवार को हॉली लॉज पहुंचे राजेंद्र राणा ने प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और कहा कि वीरभद्र परिवार पिछले 60 सालों से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा है और इस परिवार से प्रदेश को बच्चा बच्चा जानता है। चुनावों में पार्टी का इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान द्वारा हर राज्य में अध्यक्ष के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। हिमाचल में भी अध्यक्ष के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं और उन्हें भी जिम्मेवारी दी गई है, जिसके लिए कांग्रेस आलाकमान का आभार। इससे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और अब जल्द कांग्रेस एक्शन मोड नजर आएगी। इसके लिए बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। जहाँ तक रानी प्रतिभा जी का प्रश्न है, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ और अपनी हाई कमान का, कांग्रेस हाई कमान का धन्यवाद करता हूँ कि रानी प्रतिभा सिंह जी ऐसे परिवार से हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने लगभग 60 साल इस प्रदेश की जनता की सेवा की है और इस परिवार से हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा जुड़ा है। निश्चित तौर पर पार्टी को इसका लाभ मिलने वाला है और कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में जो है प्रेसिडेंट के साथ, वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो साथ में लगा रही हैं और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा जो है 4 वर्किंग प्रेसिडेंट लगाए गए हैं। उसके लिए मैं हाई कमान का धन्यवाद करता हूं। अब एक दिन पहले नोटिफिकेशन हुई है और नोटिफिकेशन के बाद आम लोग जो हैं एक्शन मोड में आए हैं और आज भी हमारी बैठक हुई है और कैसे आगे पार्टी को मजबूत करना है इसके लिए सब तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और हिमाचल प्रदेश में आप दिन आने वाले दिनों में देखेंगे कि हर दिन नया रूप में कांग्रेस आप देखेंगे और मजबूती के साथ पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता जो हैं वो पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करें। देखिए ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी का विषय है, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी ने किसको जिम्मेवारी देनी है, इसकी तकलीफ जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं होनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अपने परिवार में कितने लोग परिवारवाद में हैं शायद उस पर उनकी नजर नहीं जाती है। ये कांग्रेस पार्टी का काम है, कांग्रेस पार्टी में कौन मजबूती से काम कर सकता है, किसका पार्टी को लाभ हो सकता है और प्रदेश के सब लोगों को एकजुट होकर चला सकता है, कांग्रेस पार्टी ने देखना है। इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करें, अपने काम पे ध्यान दें। अगर ये भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के काफी चेहरे हैं तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक लीडर है। इसलिए जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, ये दिल्ली हाईकमान तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान का जो निर्देश है और फैसला है कि हम सब मिलकर, सारी लीडरशिप मिलकर और जिनको भी जिम्मेवारी मिली है सब एकजुट होकर जो है पार्टी को सत्ता में लाएंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता की इच्छाओं के अनुकूल काम करेंगे। जो काम विकास के रुक गए हैं, थम गए हैं, उनको फिर से शुरू करवाएंगे। और आज हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता जिस तरीके से महंगाई से जूझ रही है, मैं ये दोहराना चाहूँगा कि महंगाई से लोगों की कमर नहीं टूटी है, कमर के इन्होंने तोड़ टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं तोड़ के। इसलिए ये जैसे उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव में इनको बाहर का रास्ता जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता ने चारों उपचुनावों में दिखाया है। आने वाले समय में इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जनता व्याकुल बैठी है, क्योंकि प्रदेश की जनता जो है वो इस सरकार से निराश है। बेरोजगारी जो है वो बहुत बढ़ गई है, कारोबार लोगों के तबाह हो गए हैं, कर्मचारी सड़कों पे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आम आदमी जो है महंगाई से जूझ रहा है। इसलिए सरकार जाने वाली है और सरकार को अपने जो पेंशन के कागज हैं, डॉक्यूमेंट वो तैयार कर लेने चाहिए।